कितने लोगों को इजा देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला जगह फला कबीले की एक औरत रहती है, बड़ी नेक औरत है, लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है, जी तहज्जुद भी पढ़ती है, नवाफिल भी पढ़ती है, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई एक ये है, क्या कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मोहल्लेदार उससे तंग हैं, मोहल्लेदार उसकी इजहार आसानियों से परेशान है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, यह जहन्नुम में जाएगी। फरमाया हुजूर वो तो तहज्जुद तक नहीं छोड़ती, फराइज तो बड़े दूर की बात है। फरमाया नहीं, जो बंदा जिस बंदे की जुबान से उसके हाथ से दूसरा मुसलमान तंग हो परेशान हो ऐसे बंदे की इबादत भी कबूल नहीं की जाएगी। पहला शर्त यह, फराइज के अंदर इबादात के अंदर कमी पेशी रह गई है ना जी, तो अल्लाह रब्बुल जलाल अपनी रहमत से अपने फजल करम से मुआफ करने पर कादिर है, मुआफ कर सकते हैं, कर देंगे। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में से अगर कोई कमी पेशी रह गई तो नहीं माफ होगी।